फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द एलियोर मेथड. दिस इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड. सो आई हैव वन एग्जांपल. सो यूजिंग दिस एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ टू यूज एलियोर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है. वी हैव गिवन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइन एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन वाई इज इक्वल टू वन एट एक्स जीरो. एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 0.1 बाय एलियोर मेथड. राइट. सबसे पहले हम लिख रहे हैं हमें गिवन क्या दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन, गिवन इज y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन है. ये ऐसे भी दे सकते हैं, इसका दूसरा भी होता है ऐसे लिखने वाला. y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब भी सेम होता है कि x की वैल्यू क्या है 0 और y हमारा क्या है 1. इस वे से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इस वे से भी. तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए कि 0 आप क्या है x की वैल्यू है और y क्या है 1. दैट मीन्स y ऑफ x की वैल्यू है कुछ y एट x. एक्स जीरो है तो वाई वाई इनिशियल वैल्यूज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द फॉर्मूला विच आर यूजिंग इन एलियोर मेथड. ये हमारा फॉर्मूला है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन. ये जो फंक्शन है ये आपका गिवन फंक्शन होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है गिवन है. ये इसमें हम इसका यूज़ करेंगे. और जो एच है, एच इज़ द स्मॉल इंटरवल, जैसे दो वैल्यूज के बीच में एक्स एक्सिस है आपकी मान लो, तो इनके बीच में जो इंटरवल है वेरी स्मॉल इंटरवल, उसको हम एच ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो इसकी जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि एच क्या होता है. तो अभी मैं एग्जांपल करवा रही हूँ, वो चीज़ मैं नहीं करवा रही हूँ. मैं इससे बता रही हूँ कि एच होता क्या है. इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज विच इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस. राइट. एच को निकालते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई एन. राइट. तो एच हम कैसे लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई एन. और आपकी फाइनल वैल्यू क्या है इसमें, फाइनल आपको यहाँ पे निकालना है, फाइंड वैल्यू वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.1. इनिशियल क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 0. तो दिस माइनस दिस हो जाएगा 0.1 माइनस 0 डिवाइड एन में ले रही हूँ 5. दैट इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, कोई भी ले सकते हैं. मैं एन इज इक्वल टू 5 ले रही हूँ. वी टेक एन इज इक्वल टू 5. तो एन वैल्यू 5 पुट करते हैं यहाँ पे. तो 0.1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 50 इज इक्वल टू 0.2. सो एच हमारे पास क्या आ गया, 0.02. Now we are taking n is equal to 5. So first of all I have to find the value at n is equal to 0 using this formula. At n is equal to 0. First of all I am taking n is equal to 0. Then this formula becomes n is equal to 0. That is y1 is equal to y0. Not means 0. हम y0 को y0 भी बोल देते हैं. Right? For n is equal to 0, the formula becomes y1 is equal to y0. ये नोट जो होता है ये जीरो, इसको जीरो को हम नोट बोल देते हैं, y0 प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट. बिकॉज वी टेकिंग एन इज इक्वल टू, यहाँ 0 0 ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वाई ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो. अब आपको ये जो सब कुछ है इसका हमें वैल्यू चाहिए. वाई नॉट हमें पता है इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरे गिवन वाई. हाँ जी राइट. तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या थी वाई की, गिवन थी वो 1 थी. आपको पता है कि वाई हमारा कितना गिवन है, 1 इनिशियल वैल्यू ये. तो वाई नोट हमारा क्या है 1. और एच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एच के लिए वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. और फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंसेस ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन एडिशन ऑफ वाई प्लस एक्स. तो ये हम यहीं लिख देंगे एक्स नोट वाई नोट की फॉर्म में, वाई नोट माइनस एक्स नोट अपॉन वाई नोट प्लस एक्स नोट. वाई नोट क्या आपका हम निकाल चुके हैं 1, और एक्स नोट क्या था 0. इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स की 0, और वाई की क्या थी, इनिशियल वैल्यू मीन्स इनिशियल होता है एक्स नोट और वाई नोट. ये हमें गिवन है एक्स नोट, इसको ऐसे भी ले सकते हो वाई नोट. ठीक है. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और इसको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो क्या आया, सो यूजिंग दिस कैलकुलेशन, आप इसमें कैलकुलेटर से यूज़ करके इजिली निकाल सकते हो आपका वाई वन कैसा आ गया, 1.02. ठीक है. अगेन हम लेंगे एन की वैल्यू 1. सेम मेथड है, एन को 1 पुट करोगे गिवन फॉर्मूला में, आपके पास जो वैल्यू बनेगी मैं आपको दिखाती हूँ. अब हम y2 के लिए n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h ऑफ x, n की वैल्यू 1, दैट मीन्स x1 और y1. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं y1 की वैल्यू लास्ट स्टेप में. तो y में आपका क्या था 1.02, h आपको सेम वही रहेगा आपको 0.02, और y1 माइनस है. अब x1 कैसे निकालोगे, x1 कैसे निकलता है, x1 होता है हमारा जनरली x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, प्रीवियस वैल्यू प्लस जो इंटरवल था, प्रीवियसली अपने यहाँ पर पुट कर दी 0 प्लस इंटरवल क्या था 0.02, दैट इज x1 इज इक्वल टू 0.02. तो आप यहाँ पे x1 के लिए क्या लोगे 0.02. तो इनका डिफरेंस इनका प्लस. ठीक है.
तो पुटिंग दिस वैल्यू सो यू कैन गेट वाई टू इज इक्वल टू 1.039। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करें तो आपको ये कैलकुलेशन वेज करोगे इसको तो ये आ जाएगा आंसर, और वाई टू कितना आ जाएगा 1.039। अगेन हम फिर क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू के लिए वाई थ्री निकालोगे सेम वे से वाई थ्री के लिए, एन जब आप इसमें टू पुट करोगे तो ये वाई थ्री बन जाएगा ये वाई टू और एच ऑफ एक्स ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू, तो ऐसे ही फॉर्मूला आपका ऐसे बन जाएगा। तो अगेन आप क्या करोगे, वाई टू वैल्यू यहाँ से लोगे, एच की वैल्यू सेम है, फंक्शन आपका कैसा था वाई टू माइनस एक्स टू पॉइंट वाई टू प्लस एक्स टू, और y2 जो आपको गिवन है x2 आप कैसे निकालते हो, प्रीवियस वैल्यू प्लस h, तो मैंने यहाँ पे तो राइट साइड में लिख दिया कैसे निकालते हैं, x1 क्या है 0.02 प्लस h कितना था ये, तो आपकी x2 कितना बन गया 0.04। तो पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, आई हैव गेट y3 इज इक्वल टू 1.058। मैंने डायरेक्टली यहाँ से निकाल लिया कैलकुलेटर की हेल्प से, y3 आपका क्या आ गया 1.058। अगेन आप क्या करोगे, अब x x अब n की वैल्यू क्या लेके, अब n आप क्या लोगे 3, n 3 लोगे तो इस फॉर्म में वापस 3 पुट करते तो क्या बन जाता है y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h f ऑफ x3 माइनस y3, फंक्शन वैसा सेम है y3 माइनस x3 पॉन y प्लस x3, y3 आपको अभी अभी निकालना जो वो आएगा, h आपका ये है और x3 क्या था आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, x होता प्रीवियस वैल्यू में हमने h की वैल्यू ऐड करनी है, प्रीवियस वैल्यू आपकी x2 की ये थी प्लस h है और आपकी ये वैल्यू कितनी बन गई 0.06। वाई थ्री आपको निकाल चुके हो 1.058। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज यू कैन गेट वाई फोर, अगेन यू हैव टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 देन यू कैन गेट द वैल्यू वाई फाइव इज इक्वल टू वाई फोर प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स फोर एंड वाई फोर, अगेन यूजिंग द सेम वे मेथड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एट n इज इक्वल टू 4 वाई फाइव। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन विच वी हैव टू फाइंड, 1.0928 इज द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y जो हमें फाइंड करनी थी। थैंक यू सो मच।